माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में डेटा टैब के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए आज हम फोरकास्ट सीट ऑप्शन के साथ काम करना देखते हैं। फोरकास्ट सीट एक ऐसा टूल है दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट डेवलपमेंट्स इन आवर बिजनेस। इस टूल का इस्तेमाल हम अपने फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हमने हर डेट वाइज सेल्स का डिटेल्स स्पेसिफाई किया। अगर हम फोरकास्ट करें कि इस डेट के बाद हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, जिससे कि हम कोई स्ट्रैटेजी या प्लान कर सके अपने बिजनेस में, तो हम इस फोरकास्ट सीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। सबसे पहले हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फोरकास्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक फोरकास्ट सीट का एक चार्ट शो करेगा। अब यहाँ से हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक फोरकास्ट सीट का ग्राफ और कुछ वाउंड वैल्यूज शो कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो भी वैल्यू स्पेसिफाई किया है सेल्स का, डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने है। उसके बाद कुछ प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी नीचे दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको बता रहा है फोरकास्ट वैल्यू 17th को अगर आपका सेल्स होता है तो एवरेज ये होगा, क्योंकि आपका ये लोअर सेल्स ये होगा और हायर सेल्स ये जा सकते हैं। उसी तरह 18th का, 19th का, 20 का, हर एक दिन का आपका एक लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड एंड अपर कॉन्फिडेंस बाउंड शो कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक एवरेज फोरकास्ट वैल्यू दिखा रहे हैं। अब आप इस ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं, इस ग्राफ को अगर हम एडिट करना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चार्ट टूल्स की मदद से हम इसके डिफरेंट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें पसंद है। चार्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम अपने चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें। यहाँ से ओके करेंगे वो इफेक्ट आपको दिखेगा। ग्रुप और आउटलाइन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है जिसे हम ग्रुप्ड या समराइज करके इन्फॉर्मेशन को फेच करना या व्यू करना चाहें, तो हम लोग ग्रुप या आउटलाइन का इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हमने डिफरेंट फील्ड्स स्पेसिफाई किए हैं, जहाँ पे हमारा स्टेट है, ब्रांच है और मंथ है और उसका एक्सपेंसेस है। हमारा स्टेट बिहार है और बिहार में ही अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग लोकेशंस पे, जिसका मंथली एक्सपेंसेस डिटेल्स कुछ इस फॉर्मेट में तैयार किए हैं। सो अगर आप आउटलाइन या ग्रुप प्रिपेयर करना चाहें तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि आपका टेबल में डेटा एक लिस्ट ऑर्डर में होना चाहिए, ताकि आप उसकी आउटलाइन या ग्रुप स्पेसिफाई कर सकें। हमने यहाँ पे स्टेट कॉमन किया, बिहार है, जहाँ पे हमारे अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह पे, जिसका एक ही मंथ का अलग अलग एक्सपेंसेस है। उसके बाद हमने इसका टोटल एक्सपेंसेस तैयार किया। उसी तरह से फिर फरवरी के लिए भी हमने अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग एक्सपेंसेस डिटेल्स और उसका टोटल डिटेल्स तैयार किया। इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून आपने अलग अलग एक्सपेंसेस डिटेल्स तैयार किए। आइए हम लोग फिर ग्रुप ऑप्शन के साथ काम करते हैं। तो अगर हम इस टेबल को समराइज करके देखना चाहें तो सीधे ग्रुप पे जाएं और यहाँ से हम ऑटो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। हमारा टेबल ऑटोमेटिकली ग्रुप्ड हो जाएगा। आप देखेंगे कि पहले आपका दो आउटर ग्रुप है जहाँ पे आपको हर मंथ का टोटल डिटेल्स दिखा रहा है और एक दूसरा है जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखा रहा है। इसके इनर में भी दो तीन अलग अलग लेवल्स है जो इंडिविजुअली आपको मंथ वाइज डिटेल्स को समराइज करके दिखा रहा है और यहाँ से फिर आप उसको डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। आपने देखा कैसे हमने आउटलाइन तैयार कर दिया जिससे कि हमारा डेटा एक समराइज्ड फॉर्मेट में दिख रहा है और ये ग्रुप्ड भी हो गया। अब वापस इसे अगर अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप में आते हैं यहाँ से और क्लियर आउटलाइन करते हैं, हमारा आउटलाइन क्लियर हो जाता है। अगर आप मैनुअली ग्रुप स्पेसिफाई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आउटर ग्रुप तैयार करते हैं, इसके लिए हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ग्रुप पे आके ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं। रो ऑर्डर में है तो ओके करते हैं। उसके बाद फिर हम इसे इनर ग्रुप तैयार करना चाहें तो यहाँ से इनर डिटेल्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर से ग्रुप पे आते हैं और यहाँ से रोज को सेलेक्ट करते जाते हैं।
फिर सेकेंड लिस्ट को सेलेक्ट किया, फिर से ग्रुप पे आते हैं, यहाँ से रोज पे क्लिक करते हैं और फिर ये थर्ड ग्रुप्स के लिए आउटलाइन तैयार हो। सो आप यहाँ पे आप ग्रुप भी कर सकते हैं या ऑटो आउटलाइन के साथ ऑटोमेटिकली आप एक ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये इंडिविजुअल ग्रुप है और यहाँ से अगर वन करें तो आपको पूरा हेडिंग्स केवल दिखेगा। यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमें जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल, मार्च का टोटल, अगर मार्च की डिटेल्स देखना चाहे तो यहाँ से डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहाँ से फरवरी का डिटेल्स देखना चाहें, यहाँ से जनवरी का डिटेल्स देखना चाहें, हम इसका समरी देखना चाहें तो आप सिर्फ समराइज्ड व्यू भी देख सकते हैं। सो ये है आपका ग्रुप एंड अनग्रुप ऑप्शन। सब टोटल ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी एक टेबल में मौजूद किसी एक डेटा का क्विक कैलकुलेशन करने में करते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है जहां पे हमने हर ब्रांच का मंथली एक्सपेंसेस डिटेल स्पेसिफाई किया है। अब इसको मंथ वाइज सारे ब्रांच का एक टोटल और एक कंप्लीट टोटल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आइए हम इसे देखते हैं कि इसका सब टोटल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इस टेबल को एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करेंगे। इस पर राइट क्लिक करते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज करते हैं, क्योंकि आपका अगर टेबल को रेंज में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका सब टोटल एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पे हम सब टोटल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने सब टोटल डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे कहता है एट ईच रेंज इन मंथ, यस। यहाँ पे आप किस रेंज के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मंथ वाइज। सब टोटल किसका करेगा, एक्सपेंसेस का करेगा। फंक्शन कौन सा यूज करते हैं आप, तो सम करना है तो सम कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आपकी जो मर्जी है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइनली ओके करते हैं और आप देखिए आपको मंथ वाइज ग्रुप्ड करके टोटल और फाइनल आपका ग्रांड टोटल शो कर रहा है और आपको एक आउटलाइन व्यू भी जनरेट कर देता है जहां से आप इसको समराइज करके भी इंफॉर्मेशन को आप फेच कर सकते हैं। सो आपने देखा ये है आपका सब टोटल जिसकी मदद से आप ग्रुप वाइज अपने टेबल के डिटेल्स का टोटल और कंप्लीट ग्रांड टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस अगर आपको सब टोटल को रिमूव करना हो, टेबल सेलेक्ट करते हैं, सब टोटल पे क्लिक करते हैं और यह आपको ऑप्शन आएगा रिमूव ऑल। जैसे ही आप रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे आपका ये सब टोटल का इफेक्ट हट जाएगा। तो ये है आपका सब टोटल ऑप्शन।